बहुत बेहतरीन जगह ये पहाड़ी मीडियम है पूरा जंगल है हरा भरा है फूल बगीचा वगैरह सब है पहाड़ों के बीच में गुफा उफा बना के होटल बनाया है आप लोग का बढ़िया जॉब हो जाए तो उड़गम मंडलम ऊटी उड़गम मंडलम उसी क्या कहेंगे ऊटी उडगम मंडलम वही क्या कहेंगे ऊटी मिल गया ऊटी बहुत बेहतरीन जगह पर्यटक जगह ऊटी पर्यटक जगह कौन है मंडलम, लाल चंदन पुष्पा लाल चंदन जापान में दुगा भेजता था वहां पे झुकेगा नहीं अब बहुत मूवी चली अपने समय में हाँ, पता नहीं अब इतना फिल्म आ गया है आदमी क्या ही देखेगा फिल्म आप लोग के पास टाइम है देखते रहिए ऊटी पर्यटक जगह बहुत बेहतरीन है पहाड़ है और ये पहाड़ बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं अब जैसे हिमालय जो कौन जाएगा पर्यटन में वह से नहीं मिलेगा आदमी को रिस्की पर्यटन है रिस्क है वहां पे कुछ है ये नहीं है ये पहाड़ी मीडियम है पूरा जंगल है हरा भरा है फूल बगीचा वगैरह सब है पहाड़ों के बीच में गुफा उफा बना के होटल बनाया है सब बहुत बेहतरीन जगह है ऊटी के लिए ठीक है आप लोग का बढ़िया जॉब हो जाए तो हर साल प्लान करके एक एक कोई दूर दूर का जगह जाकर पर्यटन पे घूम के आइएगा इससे अर्थव्यवस्था अच्छी होती है आप बिहार से चलिए ऊटी तमिलनाडु के लोग आ जाए गया घूमने के लिए यहाँ के लोग कोई राजस्थान के किला घूमने चले जाए तो कोई पूर्वोत्तर चला जाए तो एक टूरिश्चन टूरिज्म को हम लोग ने कभी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा ही नहीं जबकि बहुत बेहतरीन है टूरिज्म के लिए कौन जगह ऊटी इसी एरिया में बिपिन रावत सर का जहाज भी क्रैश किया था हेलीकॉप्टर सीडीएस विपिन रावत सर ही नहीं आ रहा, रहा है सीडियस थे एम आई सेवनटीन हेलीकॉप्टर था ना अच्छा पहाड़ पे मौसम अचानक खराब होता है आपको अभी पहाड़ दिखेगा दिखेगा खूब विशाल अचानक पहाड़ पर गायब हो जाएगा बादल छा जाएगा कोहरा अचानक से आएगा आप सोचिए पहाड़ गायब रहेगा एकदम भयानक कोहरा हो जाता है हेलीकॉप्टर में खराबी है बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाता है ना पे। और भी कुछ कुछ गलतियां वहां भी हुई होंगी हर एरिया का एक मैक्सिमम ऑप्शिकल एरिया होता है कि इस इस यहां, इस एरिया का ये सबसे ऊंचा पहाड़ है तो सपोज अगर कोई पहाड़ तीन हजार है तो पायलट को कहा है जाता है तुम पैंतीस सौ फीट पे उठो तीन हजार फीट पे पहाड़ है तो तुम कितना पे उड़ो पैंतीस सौ पे उड़ो ताकि उस एरिया का जो सबसे मैक्सिमम है कि कोई दिक्कत भी होगा तो निकल जाओगे और जो हेलीकॉप्टर होता है ना वो विजुअल अप्रोच पे उड़ाया जाता है देख कर ही उड़ाया जाता है और ये जो फ्लाइटवा होते हैं सब ये सबको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ढाप दो ना अगवा कौन चीज देखिए बे कौन ची करता है समताप मंडल में तो भागता है समताप मंडल में कुछ नहीं मिलेगा वहाँ नीचे हिमालय से ऊपर क्रॉस कर जाएगा हिमालय जा रहे हैं लद्दाख चल दिया ऊपर ऊपर कोई मतलब नहीं है लेकिन उसमें दिक्कत हो जाता है ये एरिया जो है ना ये पर्यटन वगैरह के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये एरिया में पहाड़ बहुत ज्यादा है क्या है सब पहाड़ ज्यादा है